एक मंदिर लाखों करोड़ों की अकूत दौलत, छह तहखाने और दो नाग, आज ऐसे रहस्यमय स्थान से पर्दा हटाने जा रही है बिंघुमक्कड़ की टीम। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये कोई और नहीं पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वही पद्मनाभ स्वामी जो दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है, वही पद्मनाभ स्वामी जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, वही पद्मनाभ स्वामी जिसका छठा तहखाना खोलने से कोर्ट भी घबरा गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बिंघुमक्कड़ की टीम यहां पहुंची तो शहर की सुंदरता को देखकर हैरान रह गई। तिरुवनंतपुरम समंदर के बेहद नजदीक है तो इसके 60 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखला भी है। पहाड़ और समंदर की घुमक्कड़ी करते हुए आखिरकार हमारी टीम शहर के बीचों बीच बसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बेहद करीब पहुंच गई। मंदिर के बाहर एक तरफ खूबसूरत झील है जहां वर्ष भर पानी भरा रहता है, जो मंदिर की खूबसूरती में भी चार चांद लगाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर रहस्यों से पटा पड़ा है। मंदिर का मौजूदा इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। माना जाता है त्रावणकोर के राजाओं ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाया, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने भगवान पद्मनाभ यानी विष्णु को त्रावणकोर राज्य समर्पित कर दिया और अपनी अकूत दौलत मंदिर को समर्पित कर दी। मार्तंड वर्मा ने ही पद्मनाभपुरम को त्रावणकोर राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद वो भगवान पद्मनाभ की ओर से राज्य पर शासन करने लगे। राजा मार्तंड वर्मा के बाद त्रावणकोर के वंशजों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अपने 28 साल के कार्यकाल में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बना दिया। ये मार्तंड वर्मा ही थे जिन्होंने उस वक्त की बड़ी शक्ति मानी जाने वाली डचों को हराकर वापस भेज दिया। दरअसल डचों की सेना त्रावणकोर राज्य पर लगातार तोप के गोले दाग रही थी। 3 दिन तक त्रावणकोर पर गोले बरसते रहे। आखिरकार राजा मार्तंड वर्मा ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने नारियल के पेड़ कटवा कर उन्हें बैलगाड़ियों पर लदवा दिया। ये सब देखकर डच सेना को लगा कि मार्तंड वर्मा की सेना के पास भी तोपे हैं। इस कारण डच सेना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद त्रावणकोर की बहादुर सेना ने 31 जुलाई 1741 को डच सेना को घेर लिया और युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। इस युद्ध में डचों को भारी नुकसान हुआ और वो वापस लौटने को मजबूर हो गए। सन 1949 तक त्रावणकोर एक भारतीय रियासत रही।
चित्तिरा थिरुनल बलराम वर्मा दो आजादी से पहले यहाँ के आखिरी राजा रहे। उन्होंने 1931 से 1949 तक रियासत के रूप में त्रावणकोर पर राज किया। त्रावणकोर का जब भारत में विलय हुआ तो भारत सरकार ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अपने कब्जे में नहीं लिया, इसे त्रावणकोर राज परिवार के पास ही रहने दिया। तब से इस मंदिर की देखरेख राज परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। तिरुवनंतपुरम शहर को अपना नाम भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य देवता से ही मिला है, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। तिरुवनंत का अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। तथ्यों से तर मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि ये मंदिर आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में बना। इस मंदिर में भगवान पद्मनाभ के दर्शन करने खुद श्री कृष्ण के भाई बलराम भी पहुंचे। कहा जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी प्रतिमा शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में विद्यमान है। ये मूर्ति 12,500 सालिग्राम पत्थरों से बनी, जो नेपाल की गंडकी नदी से यहाँ लाए गए। पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति की नाभि से निकले कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। आसपास रानियों, श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियां हैं। भगवान पद्मनाभ की इस मूर्ति के दर्शन अलग अलग दरवाजों से करने पड़ते हैं। पहले दरवाजे से भगवान का सिर छाती दिखाई देता है, दूसरे दरवाजे से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं, जबकि तीसरे और आखिरी दरवाजे से उनके पैर के दर्शन किए जाते हैं। सदियों पहले 18 फीट लंबी प्रतिमा आखिर यहाँ कैसे पहुंची होगी, ये आज भी हैरत में डालती है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में पद्मनाभ स्वामी मंदिर लकड़ी का बनाया गया था, धीरे धीरे इसे ग्रेनाइट पत्थरों का आकार दिया गया। मंदिर में कुल 365 खम्बे हैं, जो हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है मंदिर में एक खंबा सोने का भी है। यही नहीं, मंदिर का स्वर्ण जड़ित गोपुरम 7 मंजिला, इसकी ऊंचाई करीब 35 मीटर है। पूरे मंदिर में अद्भुत कारीगरी की गई। मंदिर के स्थापत्य में द्रविड़ शैली के साथ साथ केरल शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिर के पास मौजूद झील को पद्मतीर्थ कुलम कहा जाता है। मंदिर के अंदर भगवान पद्मनाभ के दर्शनों के लिए नियम सख्त है। पुरुष यहाँ मुंडू या धोती तो महिलाएं साड़ी पहनकर ही अंदर जा सकती हैं। 12 साल से कम उम्र की लड़कियां गाउन पहन सकती हैं। पद्मनाभ मंदिर में साल में 2 बार भव्य त्योहार मनाया जाता है। इन्हें थुलम और मीनम के नाम से जाना जाता है। ये 10 दिन तक चलने वाला त्योहार, इस दौरान मंदिर को दीपों से जगमग किया जाता है। ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक मंदिर में साल 2011 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इससे 2 साल पहले साल 2009 में टीपी सुंदर राजन नाम के पूर्व आईपीएस और वकील ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने और उसके तहखानों का जिक्र था। टीपी सुंदर राजन पद्मनाभ मंदिर के सामने ही रहा करते थे। वो रोज मंदिर में दर्शनों को जाते थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि मंदिर के अंदर अनियमितताएं चल रही हैं, जिसको लेकर वो कोर्ट पहुंच गए। 31 जनवरी 2011 को केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा, जिसके विरोध में राज परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 सदस्य कमेटी बनाकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को ऑडिट करने और तहखानों को खुलवाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद 27 जून को पहला तहखाना खुला, लेकिन पहले तहखाने के खुलने के 20 दिन बाद 86 साल के वकील टीपी सुंदर राजन की मौत हो गई। 2 दिन तक सुंदर राजन बीमार रहे। कहा जाता है उन्हें अचानक तेज बुखार हो गया और उन्होंने दम तोड़ दिया।
हालांकि इस दौरान मंदिर में गर्भगृह के ठीक नीचे मौजूद सीक्रेट 5 तहखाने खोले जा चुके थे। तहखाने ए सी डी ई और एफ के खुलने के बाद वहां से इतनी अकूत दौलत निकली कि लोगों की आंखें चौंधिया गई। तहखाने ए के अंदर से ही 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत निकली। तहखाने ए का दरवाजा लोहे और भारी भरकम लकड़ी का बना। इसे खोलकर टीम अंदर गई और वहां मौजूद ग्रेनाइट के स्लैब को हटाया। यहां से कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं, जहां अंधेरे कमरे में खजाना बिखरा हुआ रखा मिला। यहां कुछ बैग में भरे सोने के सिक्के मिले। ये नेपोलियोनिक, रोमन, मिडिवल और ब्रिटिश काल के सोने के सिक्के थे। सोने चांदी से भरे इन बैग्स में कई का वजन 800 किलोग्राम के आसपास था। इतना ही नहीं, खजाने की गिनती करने वाली टीम को कई सोने के बर्तन, सोने की कुर्सियां भी मिली, जिनका इस्तेमाल संभवतः धार्मिक समारोहों में किया जाता रहा होगा। इसके अलावा हीरे और कीमती पत्थरों से जड़ी भगवान विष्णु की 4 फीट बाय 3 फीट की ठोस सोने की मूर्ति और देवता को विराजमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 28 फुट का स्वर्ण सिंहासन भी यहीं से मिला। इसके अलावा एक भगवान को पहनाई जाने वाली सोने की पोशाक भी मिली, जिसका वजन 30 किलो के करीब था। काउंटिंग टीम को तहखाने से हीरे और माणिक से जड़े नारियल के खोल के आभूषण, हीरे, नीलम, पन्ना और माणिक जैसे बेशकीमती रत्नों के साथ साथ कलाकृतियां भी मिली। कुल मिलाकर सभी तहखानों से लगभग 2,00,000 करोड़ की संपत्ति मिली। इन 5 तहखानों को खोलने के बाद जैसे ही टीम तहखाने बी के पास पहुंची तो हैरान रह गई। इस तहखाने का मुख्य दरवाजा लाख कोशिशों के बावजूद नहीं खुल सका। इस तहखाने में 3 द्वार हैं। पहला द्वार लोहे की छड़ों से, दूसरा द्वार भारी भरकम लकड़ी से, जबकि आखिरी दरवाजा लोहे की मोटी लेयर से बना है। इसी आखिरी द्वार को खोला नहीं जा सका। इस द्वार में ना कोई ताला लगा है, ना ही कोई दूसरा लॉक सिस्टम, ना ही इस द्वार को किसी कुंडी से बंद किया गया। द्वार के बाहर 2 नाग बने जो अपने आप में डर का पर्याय है। बहुत जोर आजमाइश के बाद भी ये द्वार नहीं खुला तो टीम लौट आई। लोगों का विश्वास है कि इस द्वार को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र कहते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इस द्वार को खोलने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। माना जाता है कि इस द्वार के अंदर बहुत बड़ा खजाना है, जिनकी रक्षा 2 नाग करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से आगे दूसरा लोक है, जहाँ खुद भगवान पद्मनाभ रहते हैं। वही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस दिन ये द्वार खुलेगा उस दिन धरती का विनाश हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने बी को खोलने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा की खातिर इसे नहीं खोला जाना चाहिए। इसीलिए अब भी ये राज ही है कि चैम्बर बी के अंदर क्या है, कौन सी ताकत है जिसने चैम्बर बी का द्वार बंद करके रखा है। हालांकि 2011 के बाद भी राज परिवार के ट्रस्ट में आधिपत्य को लेकर कोर्ट में मामला चलता रहा। 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन में त्रावणकोर राज परिवार के अधिकार को बरकरार रखा। भारत के सबसे अमीर मंदिर के दर्शनों को अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ रोड, ट्रेन और प्लेन तीनों ही साधनों से पहुंचा जा सकता है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पद्मनाभ मंदिर की दूरी सिर्फ 600 मीटर। मंदिर से कोची रेलवे स्टेशन भी सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर। विजहिम बस स्टेशन मंदिर से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर। हवाई सफर करने वाले श्रद्धालु त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा।